बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सोलो ट्रैवलिंग सेफ है और सोलो ट्रैवलिंग में क्या कोई रिस्क है। तो गाइस, सोलो ट्रैवलिंग कैसे किया जाता है, सोलो ट्रैवलिंग में जो रिस्क फैक्टर है वो कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल सकता है। तो अगर आप घूमने का शौकीन हो, घूमक करो, अगर आप बहुत ज़्यादा घूमने चाहता हो तो गाइस सोलो ट्रैवलिंग वुड बी अ बेस्ट सोल्यूशन। क्योंकि अगर आप सभी के साथ घूमने चाहोगे, सपोज आपका पूरी फैमिली के साथ, तो मान लो दो जन का इस टाइम में होगा, दो जन का इस टाइम में नहीं होगा, ऐसे इस जन उस जन का सभी का परमिशन लेते हुए आपका घूमने का जो प्लान वो बहुत डिले हो जाता है। बट अगर सोलो ट्रैवलिंग आप करते हो तो आपको किसी के साथ परमिशन ले ही लेना पड़ता है, आप खुद ही प्लान कर सकते हो, खुद अकेले जा सकते हो। पर बहुत लोग सोचते हैं कि सोलो ट्रैवलिंग में एक रिस्क फैक्टर है, अकेले अकेले कैसे घूमा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 से 4 चीज़ मैं आपके साथ हाईलाइट करना चाहता हूँ। अगर ये 3-4 चीज़ आप दिमाग में रखोगे तो आपका सोलो ट्रिप कम्प्लीटली सेफ होगा, कोई रिस्क फैक्टर नहीं होगा। नंबर वन गाइस, आपको ये दिमाग में रखना है, सोलो ट्रैवलिंग को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। नंबर वन, आपका ट्रांसपोर्ट, आप कैसे कहाँ पर ट्रिप कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट शुड बी सेफ। नंबर टू, मीन्स आप कहाँ पर स्टे कर रहे हो, मीन्स आप जहाँ पर रह रहे हो वो जगह क्या सेफ है। नंबर थ्री, आप जो लोकल लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, लोकल लोग क्या वो हार्मफुल है, क्या वो सेफ है, ये आपको जानना चाहिए। एवं नंबर फोर, आपको दिमाग में रखना चाहिए, मीन्स आप जब साइट सीन कर रहे हो, कोई ऐसा जगह है वो साइट सीन में आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो वन आफ्टर मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। गाइस, एक्चुअल ट्रैवल और ट्रांसपोर्ट को भी आपको दो तरह से डिवाइड करना चाहिए। अगर आप मान लो कोई इंटरनेशनल ट्रिप अगर आप कर रहे हो तो आपको फ्लाइट से ही जाना पड़ता है इन जनरल। सपोज आप यहाँ से लंदन जाना चाह रहे हो, ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हो, सिंगापुर जाना चाह रहे हो, इंडिया से आपको फ्लाइट से ही जाना पड़ेगा। तो फ्लाइट जर्नी तो 100% सेफ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाता है, उस देश में पहुँच कर जो लोकली आप ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ जा रहे हो, तो बहुत ऐसा चीज़ भी हो सकता है। मैंने फेस किया इजिप्ट में जाकर, देयर कम्युनिकेशन इज़ नॉट गुड, वो लोग हिंदी इतना, उन लोग हिंदी भी नहीं आते, उन लोग इंग्लिश भी नहीं आता है, तो लोकल ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वहाँ पर आपको ऑलवेज 2 से 3 ऐप आपको इंस्टॉल करके रखना है आपको मोबाइल पे, मीन्स लोकल उबेर है, लोकल जो ट्रांसपोर्ट जो ऑनलाइन कैब है। और आप एयरपोर्ट में उतरते ही आपको वन चीज़ आपको कर लेना चाहिए, पूरा सिटी का जो मैप है, मैप आपको इंक्वायरी डिपार्टमेंट से, इंक्वायरी जो डेस्क है वहाँ से ले लेना है, ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट में आपको मिल सकता है। यकीन मानिए, ये जो जिस सिटी का जो एग्जैक्टली जो मैप होता है, वहाँ पर पूरा इंटर रेलवे ट्रैक, इंटर रोड ट्रैक सब कुछ वहाँ पर दिखा, मीन्स वहाँ पर पिक्चर में आपको क्लियरली व्यू आ जाता है। तो आप उस देखकर एक बेसिक आइडिया आपको हो जाता है आप कहाँ पर हो, कहाँ से आपको बस पकड़ना है, कहाँ से आपको ट्रेन पकड़ना है, कहाँ से आपको मेट्रो चेंज करना है, यू विल गेट अ कम्प्लीट आप आइडिया ऑफ दैट। तो इससे क्या कर सकते हो, आप दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस आप कम कर सकते हो, आप खुद ही प्रॉपरली प्लान करके आप घूम सकते हो। मेरा एग्जांपल देखो, अगर मैं जब थाईलैंड में गया था, बैंकॉक में, मुझे बैंकॉक प्लातुनम से मुझको एयरपोर्ट आना था लौटने के दिन, पर वहाँ से कोई डायरेक्ट कोई मेट्रो नहीं था, पर वहाँ से एक मेट्रो दूसरी तरफ जा रहा था, पर वहाँ से कनेक्टर था, कनेक्टर में जो दूसरा मेट्रो, उस मेट्रो से मैं एयरपोर्ट आ सकता था। तो मैंने उस मैप की मदद लिया, उस मेट्रो कनेक्टर मेट्रो स्टेशन से उतर गया, वहाँ के उतर के लगभग 10 से 15 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस से मुझे एयरपोर्ट कनेक्टिविटी जो मेट्रो है वो पकड़ लिया, वो पकड़ के मैंने पहुंच गया एयरपोर्ट तक। तो ऐसे आप बहुत ही सेफ तरीके से खुद एक्सपेरिमेंट करके घूम सकते हो और आप मिसगाइड नहीं होंगे, दैट इज़ द गारंटी। एक लोकल ऐप ले लो, गूगल ऐप का मदद ले लो, लोकल कैब का जो ऑनलाइन कैब है वो इंस्टॉल कर लो और एक मैप रख लो, इट विल बी वेरी सेफ जर्नी फॉर यू, मीन्स रास्ते में जाकर कोई दिक्कत प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। नंबर टू आ जाता है दोस्तों, होटल्स, कहाँ पर आप स्टे करो, दैट इज़ रियली कंसर्न। अब देखो, मैं जो करता हूँ, लेट मी गिव द एग्जांपल, मैं बेसिकली ऑनलाइन होटल बुकिंग करता हूँ, बट ऑनलाइन बुकिंग में भी बहुत झोल झाल ऐसा होता है, बहुत ऐसे होटल आप ऑनलाइन में एक रेटिंग दिया है, एक कमेंट्स है, अगर जाओगे तो आप दूसरा सीनेरियो देखोगे, जगह कितना सेफ है और नहीं है। बट आपको क्या करना है, आपको कोई भी होटल कोई भी हॉस्टल बुक करने से पहले थॉरली आपको कमेंट्स पढ़ना है, मैं नीचे जो पहले वाला जो जो गेस्ट वहाँ पर गया था, रुका था, उन लोगों का ओपिनियन, उन लोगों का फीडबैक क्या है। मीन्स आप हर होटल में आप देखोगे नीचे बहुत सारे ऐसे हज़ारों सैकड़ों आप कमेंट्स मिल जाएगा, हर एक कमेंट्स को कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स पढ़ो, हर कमेंट्स को
जस्ट लाइक एनालाइज करो वहाँ पर क्या क्या ड्रॉबैक बोला है, क्या क्या गुड साइड उन लोगों ने बोला है, सब कुछ मिलाकर आपको अगर लगे जो चलो यार ये होटल, ये जो स्टे है, ये जो हॉस्टल, ये परफेक्ट है मेरे लिए, तब भी आप बुक करो ऑनलाइन से। बेसिकली ऑनलाइन बहुत दो फेमस साइट है, मैं जो प्रेफर करता हूँ booking.com और है जस्ट लाइक agoda.com। ये बहुत ही फेमस ऑनलाइन है, लगत ऑलमोस्ट जेन्युइन ही सब कुछ मिल जाता है, बट सेफ्टी इश्यूज आपको ख्याल दिमाग में रख के आपको जाना है। आप हट से आप बुकिंग मत कर लो। देखो एक होटल वाला वो तो चाहेगा आप ज़्यादा ज़्यादा पब्लिसिटी करके ज़्यादा ज़्यादा अट्रैक्टिंग कुछ लिख कर आपको अट्रैक्ट करना, बट वो सब देखना नहीं है। होटल का जो अथॉरिटी क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो तो बेसिक आपको रखो, कोई इशू नहीं है, बट ऑफकोर्स जो कॉमेंट सेक्शन में आकर जो गेस्ट लोग जो रिव्यू दिया है, जो लिखा है, जो मैसेज किया है, वो देखना भी बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आपका होटल का जो सीनेरियो है ऑलमोस्ट इट विल बी डन ऑन दैट वे, आप सेफली बुक कर सकते हो होटल और हॉस्टल। थर्ड सेफ्टी आपको जो दिमाग में रखना है फॉर योर डॉक्यूमेंट्स गाइस, आपका पासपोर्ट, आपका जो फ्लाइट का टिकट, आप तो फ्लाइट का टिकट ऑनलाइन भी मोबाइल पर भी रख सकते हो, ये सब चीज़ जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स है, ट्रैवल आइटनरीज, ये सब कुछ आपको एक सेफ जगह पर रखना है। एक्चुअली जाकर होटल में, कुछ होटल में लॉकर सिस्टम है, हॉस्टल में कुछ जगह पर नहीं है, तो कोशिश करो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ आप आपका एक पर्सनल बैग के अंदर रखो, उसको आप जहाँ पर भी जा रहे हो आपको कैरी करो, और साथ में दो तीन छोटे जो लॉक होते हैं, ताले होते हैं छोटे, कैरी करो। मीन्स आपका जो मेन सैक, मेन जो बैग होगा उसको ताले मार के रखो, बिकॉज वो तो आप लेकर साथ में नहीं जा सकते हो, सो यू शुड कीप इट लॉक विद दैट। जब साथ में ले रहे हो आप तो भी वेरी मच कॉशियस अबाउट योर पासपोर्ट, अबाउट योर मनी। देखो गाइस इंटरनेशनल ट्रिप के लिए ज़्यादातर लोकल करेंसी, मीन्स होस्ट देश का लोकल करेंसी और आप US डॉलर आप साथ में लेके जा रहे हो, तो ये सब चीज़ आपका एक सेफ्टी इशू है। यहाँ पर एक भी चीज़ अगर गुम हो जाए गाइस यू विल फेस अ ड्रास्टिकल प्रॉब्लम। तो आपको सेफ्टी मेजर्स के लिए दो तीन ताले ले लो जो होटल में रख रहे हो। होटल में देखो जब हॉस्टल में रहोगे तो एक रूम में पाँच छः और बंदे रह सकते हैं, तो वहाँ पर किसी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ऐसे ही। तो व्हाट यू हैव टू डू, लॉक करके रखो, जस्ट की साथ में रखो, और पासपोर्ट और पैसा आपके साथ ही लेकर कैरी करो, और यू हैव टू बी अलर्ट। आपका कंसाइंस, आपको जस्ट अवेयरनेस, आपको ऑलवेज अवेयर रखना होना पड़ेगा फॉर योर डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल दिस थिंग। सेफ्टी मेजर नंबर फोर गाइस, सेफ्टी मेजर नंबर फोर है, आप जब लोकल साइट सीन कर रहे हो उस लोकल साइट सीन क्या सेफ है, बिकॉज लेट मी गिव एग्जांपल। एक टूरिस्ट आया था इंडिया में, राजस्थान में घूमने गया, एक इंटीरियर राजस्थान में घूमने के जाने के बाद उसके ऊपर तो लोकल कुछ बदमाश अटैक कर दिया, उसको बैडली ह्यूमिलेट किया गया, उसको मारा गया, उसका पैसा सब कुछ छीन लिया गया। तो देखो ऐसे सिर्फ वो जो टूरिस्ट इंडिया पे आते हैं उन लोगों के साथ हुआ, ऐसा नहीं आपके साथ भी हो सकता है अगर आप बाहर किसी मुल्क में जा रहे हो, ऐसा हुआ भी। तो आपको कोई भी साइट सीन जाने से पहले एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन वर्कआउट एनालाइज करके जाओ उस जगह सेफ है क्या नहीं है, और ज़्यादातर कोशिश करो जहाँ पर इन जनरल लोग रहते हैं, मीन्स जहाँ पर थोड़ा सा भीड़ रहते हैं, क्राउड रहते हैं, लोकल लोग रहते हैं, वहाँ पर घूमो। कोई अकेले अकेले कुछ एडवेंचर करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा मीन्स डीप फॉरेस्ट में चले जाना, आप कहाँ पे एक लोनली आइसोलेटेड प्लेस में चले जाना, ऐसा आप अवॉइड करो। इससे क्या हो जाता है आपका सेफ्टी मेजर्स भी ठीक ठाक रहते हैं। देखो अकेले भी आप किसी जंगल में आप जा रहे हो तो वहाँ पर आपके साथ कुछ हो गया तो कौन उसका गारंटी लेगा, बिकॉज वहाँ पर कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। तो एडवेंचर करो, बट सीरियसनेस, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस सब कुछ चाहिए। किसी जगह पर लोकल साइट सीन में जाने से पहले आपको पूरा इन्फॉर्मेशन ले लेना चाहिए अबाउट द प्लेस, वहाँ पर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि नहीं हुआ, कि वहाँ पर जाकर दुकानदार जो है लोकल दुकानदार से उन लोगों से बात कर लो, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, जगह सेफ है नहीं, जस्ट कुछ बातचीत करके इन्फॉर्मेशन ले लो। लेने के बाद आप जस्ट दिल खोल कर घूमो, बिकॉज थाईलैंड में मैं जब चंगमाई में गया था एक जंगल में मैंने एक्सप्लोर किया था, बट जंगल में एक पहाड़ एक जंगल था, वहाँ पर हाइक करने से पहले मैं लोकल दुकानदार से पूछ लिया क्या ये जंगल सेफ है, मैं कोई जंगली जानवर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वो लोग बोला नहीं, बहुत सेफ है, जाओ कोई इशू नहीं है, यहाँ पर एक अंदर एक पुलिस चौकी भी है, यू विल कम्प्लीट सेफ। गाइस इट वॉज गुड एक्सपीरियंस, दो द प्लेस वॉज आइसोलेटेड, बट वहाँ पर जाकर आई एन्जॉयड द फाउंटेन, द झरना एन्जॉय किया, वहाँ पर मैं नहाया, पूरा जंगल को एक्सप्लोर किया, पहाड़ को देखा, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो अवेयरनेस से आप बच सकते हो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन से आप बच सकते हो, तो इधर उधर मत भागो, पहले इन्फॉर्मेशन लो और अवेयर रहो। ये दो चीज़ अगर ठीक ठाक बैलेंस करोगे तो आपका सोलो ट्रिप 100% सेफ है, आपका सोलो ट्रिप 100% क्या बोलो जस्ट लाइक एंजॉय कर सकते हो। ये सब दिमाग में नहीं रहोगे तो क्या इस प्रॉब्लम तो आपको तो बोल कर नहीं आएगा, चलो यार मैं आ रहा हूँ, प्रॉब्लम अचानक आ जाता है। तो बहुत ऐसे ट्रैवलर, सोलो ट्रैवलर प्रॉब्लम में पड़ गया था वाइल दे आर ट्रैवलिंग फॉर लैक ऑफ अवेयरनेस।
जो मैं दो चीज़ बोल रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन एंड अवेयरनेस, दो चीज़ अगर ठीक ठाक से अगर हो तो आप सेफली सोलो ट्रैवल कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज़ द बेसिक थिंग्स जो आपके साथ शेयर करना था, बिकॉज बहुत मेरे दोस्त मैंने पूछता था आप सोलो ट्रैवल इतना करते हो तो सोलो ट्रैवलिंग में रिस्क फैक्टर क्या क्या, कैसे अवॉइड कर सकता हूँ सोलो ट्रैवलिंग। उन लोगों की इच्छा है सोलो ट्रैवलिंग बट डरते हैं। देखो, पहले तो मैं जब थाईलैंड में गया था, मेरा फर्स्ट सोलो ट्रैवलिंग में आई वॉज अफ्रेड अ लॉट। पहले दो दिन तो डर के मारे पहली बार घर, बिकॉज इंडियन लोग हम तो थोड़ा सा शेकी होते हैं, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं ज़्यादा, हम लोग घर वाले के साथ ही दोस्तों के साथ ही हम लोग घूमने जाते हैं, अकेले अकेले बहुत कम घूमते हैं। पर दो से तीन दिन डर लगा, उसके बाद आई कम्प्लीटली एंजॉय माई इंटर थिंग्स। उसके बाद तो मैं बहुत कंट्री यूजुअली मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, सो विथ हेल्पिंग ऑफ बाई द हेल्प ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो गाइज, ये था इंटर वीडियो, होप सो वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा टू मेक योर सोलो ट्रिप। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और जस्ट लाइक दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर करके मुझको हेल्प करना मत भूलिएगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।